रहमान रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहने वाला है। तो प्यारे बच्चों, हम सबट्रैक्शन कर रहे हैं। सबट्रैक्शन का मतलब होता है मनफी करना, तफरीक करना। ये जमा तफरीक के काम जो हैं ज़्यादातर ताजर करते हैं, और हदीस में है सच्चे और अमानतदार ताजर का मुकाम क़यामत वाले दिन सिद्दीकीन शुदा अंबिया इकराम के साथ होगा। तो हमें जमा तफरीक में हिसाब किताब में गलत बयानी नहीं करनी चाहिए। बेशक अल्लाह ताला बुराइयों को नेकियों से बदल लेता है। अगर हमने कोई पिछला काम किया हुआ गलत, तो अल्लाह ताला तौबा करने वालों की बुराइयों को भी नेकियों से बदल देता है। ये कितना बड़ा वादा है। अल्लाह ताला हमें सच्ची तौबा करने की तौफीक दे और हमें झूठ से परहेज़ करने की तौफीक दे। हम सच्चे ताजर, हम दूध में मिलावट ना करें, हम ज़खीरा अंदोज़ी ना करें, हम डंडी ना मारें। तो हम अपनी वर्ड अपनी प्रॉब्लम की तरफ आते हैं। आज हम देखते हैं कि सबट्रैक्ट 3 फ्रॉम 27। तो हम इनको 27 को वंस और टेंस में लिख लेंगे, और पहले हम वंस माइनस करेंगे। 7 में से हमने 3 माइनस किया तो 4 आ गया। हमने नंबर लाइन पे बैकवर्ड काउंट करना है, और फिर हमने क्योंकि 2 एज सच नीचे आ जाएगा, तो हमारे पास आंसर आ गया 24। अब हम अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है सबट्रैक्ट 13 फ्रॉम 24। इसी तरह हमने कॉलम्स बना लिए 10s एंड 1s के। 24 और 13 को कॉलम्स में लिखा। पहले हम 4 में से माइनस करेंगे 3, तो हमारे पास 1 आ जाएगा, और फिर हम बैकवर्ड काउंट करेंगे 2 से 1, तो हमारे पास 1 आ जाएगा। तो हमारे पास आ गया 24 माइनस 13 इज इक्वल टू 11। तो अब हम अगली अपनी प्रॉब्लम देखते हैं। हमने हमारे पास नंबर है सबट्रैक्ट 5 फ्रॉम 38। हमने 1s और 10s में कॉलम बनाए और -5, तो हमने 8 में से 5 बैकवर्ड काउंट किया तो हमारे पास 3 आ गया, और 10s में से क्योंकि और कोई माइनस करने वाला नहीं है, तो हम 3 को 3 ले आएंगे, तो हमारे पास आ गया 38 -5 इज इक्वल टू 33। अब हम अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, कॉपी पेंसिल लेके साथ साथ इनको सॉल्व करते जाएं। हमने 21 को 62 में से माइनस करना है, तो हमने 1s और 10s लिखे। 62 माइनस 21, हमने 2 में से 1 बैकवर्ड काउंट किया तो 1 आ गया। पहले हम 1s को माइनस करेंगे, फिर हमने 6 में से 2 बैकवर्ड काउंट किए तो हमारे पास 4 आ गया, तो हमारा आंसर आ गया 41। तो आप कॉपी पेंसिल लें, अपने कॉपी पे नंबर लाइन बनाएं, और इस तरह आपको ज़्यादा आसानी से समझ आएगा। हमने 45 को 87 में से सबट्रैक्ट करना है। हमने इसी तरह 1s और 10s के कॉलम बनाए। पहले हम 7 में से 5 को करेंगे, तो हम 7 से 5 बैकवर्ड काउंट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2, और फिर हम 8 में से 4 बैकवर्ड काउंट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4, तो हमारा आंसर है 42। तो कॉपी पेंसिल लेके आप जो है वो नंबर लाइन बनाएं। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारी 25 को हमने 46 में से सबट्रैक्ट करना है। तो इसी तरह हमने 2 कॉलम्स बनाए। अब यहाँ पे आप वीडियो रोकें, अब ये प्रॉब्लम आपको सॉल्व करें, फिर आगे इसका आंसर देखें। तो हम नंबर लाइन पे पहले 1s को माइनस करेंगे। हमने 6 से 5 बैकवर्ड काउंट किए तो हमारे पास 1 बाकी बच गया, तो हम 1 लिखेंगे, और 4 में से 2 हमने बैकवर्ड काउंट किए तो हमारे पास 2 आ गया, तो हमारे पास आंसर आ गया 21। अब हम अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ आते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है वो हमारे पास है सबट्रैक्ट 23 फ्रॉम 74। हमने 74 और 23 को कॉलम्स में लिखा, 10s और 1s के कॉलम बना के। यहाँ पे आप वीडियो रोकें, नंबर लाइन पे इस प्रॉब्लम को खुद सॉल्व कर रहे हैं, फिर आगे चलें। तो नंबर लाइन पे पहले हमने 4 में से 3 बैकवर्ड काउंट किए तो हमारे पास 1 आ गया, हमने उधर 1 लिखा, और फिर हमने 7 में से 2 बैकवर्ड काउंट किए तो हमें 5 मिल गया, तो हमारा आंसर है 51। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। आपने कॉपी पेंसिल लेके उस पर अपनी प्रॉब्लम लिखे। हमारे पास है 23 को हमने 59 में से सबट्रैक्ट करना है। हमने उसी तरह 5s और 1s के कॉलम बनाए। पहले यहाँ पे वीडियो रोकें और खुद से नंबर लाइन पे पहले 1s माइनस करें और फिर 10s। तो अब हमने 1s में से 9 से शुरू करके हमने 3 बैकवर्ड काउंट किया तो हमारे पास 6 आ गया, और फिर हमने 5 को बैकवर्ड 2 काउंट किया तो हमारे पास 3 आ गया, तो ये है 36 इसका आंसर। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसे लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा।